फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि घर में आप हेयर स्मूथनिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना मेरे बाल तो बिल्कुल झाड़ू लेस हो जाते हैं। मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है ना गर्मियों में बालों की, एक तो मैं जूड़ा बना के रखती हूँ घर में, तो बिल्कुल बहुत बुरी हालत में हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि क्या मैंने लगाया है जिसकी वजह से मेरे बाल थोड़े से बाउंसी बाउंसी से हो जाते हैं और एक अलग ही शाइन दिखती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैंने लगाया है। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ हिमालया के एंटी डैंड्रफ हेयर क्रीम की। मैजिक करता है ये बालों पे, सच में। ये अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये 100 ml का है और ये मेरे दो बारी चलता है। मतलब प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस है 80 rupees। हाँ, 80 rupees है इसका प्राइस। 72 rupees में मुझे परचून की दुकान पे मिल गया था। दो बारी मैंने इसे यूज कर लिया है, तो मतलब मेरे बालों की स्मूथनिंग हो गई है सिर्फ 30-32 rupees में। सोचो और क्या चाहिए। तो 30-32 नहीं, 36 rupees में। फिर आप बोलोगे नीमा की मैथ्स खराब है, 36 rupees में हो गई है, तो इसमें क्या गलत है भाई। देखो, अगर मेरे बाल इतने हैं ना तो ये दो बार ही आपका चल जाएगा। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि 2-4 चीजें और ऐड कर लो, तो उससे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वरना ये आपका पूरा एक बारी में लग जाएगा। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो पूरा फुल भरा हुआ मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि डब्बा डब्बा इतना बड़ा है और प्रोडक्ट इतना सा मिल रहा है, ऐसा नहीं है, फुल भरा हुआ डब्बा मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें मिलाई और अपने बालों पे इसे कैसे अप्लाई किया। मैंने इसमें ऐड किया है लेमन एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 5-5 drops। देखिए, ये तीनों आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली टी ट्री एसेंशियल ऑयल, आपको सर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपके स्कैल्प से रिलेटेड, आपके बालों से रिलेटेड, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो चाहे वो डैंड्रफ हो, ये उसे बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और नींबू तो हम लोग अपने सर पे लगाते ही हैं, तो उसके प्लेस पे आप ये एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल मैंने इसलिए डाला क्योंकि समटाइम्स मुझे नींद अच्छे से नहीं आ पाती है, तो इसे यूज़ करके आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। तो ये तीनों एसेंशियल ऑयल्स की मैंने 5-5 drops ऐड करी हैं। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसे अपने स्कैल्प पे लगाऊंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि स्कैल्प में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम ऑयलिंग की मसाज करते हैं ना फिंगर टिप्स की मदद से, वैसे ही आपने इसे अपने पूरे स्कैल्प पे लगा लेना है। फिर मैंने अपनी चोटी बना ली है और थोड़े थोड़े से बाल लेके आराम से इसे अपने बालों पे लगा लिया है। अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पा रहा है तो आप एक तरीका अपना सकते हैं, अपने बालों को थोड़ा सा गीला कीजिए और फिर अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिए, उससे ये बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाती है। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था, रात को मैंने लगाया था और सुबह तक रखा था और सुबह हेयर वॉश किया था। आप चाहें तो मिनिमम 2 घंटे में इसे धो सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि ओवरनाइट रखें, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।